अस्सलामुअलैकुम, मैं अब्दुल खान। एक नई अपडेट तो नहीं बट एक नई चीज़ लेकर आया हूँ। आप सभी को पता है क्या, कल्याण जो है हमारा इट्स हिस्टोरिकल प्लेस, एक ऐतिहासिक जगह जो है कल्याण है अपनी, जहाँ पे आपने देखे बहुत सारी पुरानी चीज़ें जो जिसको लेके हिस्टोरिकल प्लेस डिक्लेयर किया गया कल्याण को। काली मस्जिद है, बाद में फिर पतरी पुल का जो ब्रिज था जो अंग्रेज़ों के टाइम का बनाया हुआ था, उसके बाद में सेम चीज़ हुई थी यहाँ पे अपने जो कोनगांव का जो पुराना बीच है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने देखा कोनगांव के साइड में जो बड़ी बड़ी चिमनी है अंग्रेज़ों के ज़माने के टाइम की, ये जो चीज़ें हैं इसके वजह से कल्याण जो है एज ए हिस्टोरिकल प्लेस के नाम से फेमस है। फेमस तो ऐसे है बट इंटरनल कल्याण के अंदर बहुत सारी चीज़ें भी ऐसी है जिसके वजह से भी कल्याण बहुत ज़्यादा फेमस है माशाल्लाह। अभी जैसे कि कल्याण जो फेमस है, स्पेशली कल्याण की खाऊ गली है जहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी लॉकडाउन की वजह से बंद है, सिर्फ पार्सल चल रहे हैं, और वैसी लोगों की फ़िलहाल अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, मैं भी उनका काफ़ी ज़्यादा आशिक हुआ हूँ। अब देखिए यहाँ पे लोगों की काफ़ी लाइन लगी रहती है, ये देखिए एक मिनट रहा, मैं कैमरा घुमाता हूँ। इट्स अ सरप्राइज़, सीरियसली ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ है कि लोग जो है यहाँ पे लाइन लगा है के खड़े है, और जो क्यू लगे हैं मतलब स्पेशली जो है पाव के लिए। जी हाँ, पाव, ये देखिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम, ये हमारे जो ओनर है। हाँ हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम विराज भाई, अपनी बेकरी का नाम क्या है? गुलशन बेकरी। फ़िलहाल अभी मैं यहाँ पे हूँ गुलशन बेकरी में। आप देख रहे हो यहाँ पे मतलब क्यू लगी है माशाल्लाह। एक सेपरेट क्यू है लेडीज़ के लिए और सेपरेट क्यू जो है जेंट्स के लिए, ठीक है। तो मुजाद भाई एक दो मिनट देंगे, तो मुजाद भाई का शेड्यूल फ़िलहाल अभी काफ़ी ज़्यादा बिजी है, फिर भी मुजाद भाई ज़रा दो मिनट दीजिए प्लीज़, यहाँ पे आइए। हाँ तो मुजाद भाई मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मतलब माशाल्लाह कल्याण जो फेमस है उसके अंदर आपका भी काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है, मतलब जो बेकरी जैसी चीज़ है। हाँ हाँ, बेकरी पाव जैसी चीज़ को लेके आप लोग ने मतलब इतना फेमस किया, उसको क्या स्पेशलिटी क्या है मुझे आपकी? अपने पास खाली पाव और नरम और कड़क पाव है। हाँ तो आपका जो क्वालिटी का क्या है, आप क्वालिटी के बारे में? क्वालिटी एकदम बेस्ट है, एक नंबर मैदा वापरता हूँ। मैदा आप एक नंबर वापरते हैं? जी जी। और रेट भी तो कम है सब बिक्रियों से, 20 रुपये अपना 16 पाव मिलता है। 20 रुपये में 16 पाव? 16 पाव। और पाव की साइज कुछ कम ज़्यादा? साइज तो बड़ी फुल साइज रहती है। फुल साइज रहती है? जी जी। अच्छा पत्रे में कितने बटते हैं अपने पाव? 16 पाव रहता है। 16 पाव के पत्रे में बटते हैं? 16 पाव। ऐसा क्या? हाँ। अभी देख रहा हूँ एक चचा यहाँ पे साइड में, मैं देख रहा हूँ एक चचा भी यहाँ पे खड़े हुए पाव के लिए। क्या क्या नाम आपका? मेरा नाम अब्दुल मजीद है। मजीद भाई जी, मजीद भाई आप यहाँ पे पाव के लिए लाइन लगा के खड़े हुए? आप यहाँ के पाव एक नंबर पाव है और पाव बेहतरीन है, और जब भी हम मैं कौन से आता हूँ और यहाँ से जाते जाते पाव लेके आता हूँ, और यहाँ का पाव फेमस है। अब देखो मतलब कौन गांव में रहने वाला जो इंसान मतलब घर से स्पेशली पाव लेने के लिए यहाँ पे आते हैं, समझे? तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं भाई यहाँ पे, पूछते जरा एक मिनट। भाई साहब आपका नाम क्या? आदरवाड़ी से आए। कहाँ से? आदरवाड़ी से। आदरवाड़ी से, माशाल्लाह यार, मतलब आदरवाड़ी से लोग यहाँ पे पाव के लिए लोग आते हैं। सो मतलब कल्याण जो है हम सोच भी नहीं सकते, छोटी छोटी चीज़ें इतनी ही कल्याण के अंदर, हकीकत में हम लोगों का बहुत। और ये अपने स्पेशली मुजाहिद भाई, दो मिनट दीजिए भाई, आपका शेड्यूल काफ़ी बिजी है। मुजाहिद भाई आपका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है कल्याण को जो फेमस करने में। कल्याण फिलहाल अभी खाने पीने में ज़्यादा फेमस हो रहा है। हाँ, ये जो लॉकडाउन में जो हालात ख़राब थे ना पब्लिक के, तो वो हिसाब से मैंने रेट कम कर दिया और 20 के 16 पाव बेच रहा हूँ। 2 साल हो गए मुझे देते हुए। हाँ क्या? हाँ, और इंशाल्लाह आगे भी और इसकी में और भी पाव सस्ता हो जाएगा। ऐसा? हाँ इंशाल्लाह। क्या बात है मालिक भाई। मुजाहिद भाई मैं हमेशा दुआ करूँगा अल्लाह आपको और तरक्की दे, आपके कारोबार को दिन दुगना और रात चौगना और तरक्की दे। ये देश में तो कुछ भी नहीं हुआ है, मोदी साहब ने हमारे जो है चाय का भाव तो नहीं, चाय बेचते बेचते कुछ किए नहीं, लेकिन मैं पाव का भाव बहुत कम कर दिया हूँ। मुजाहिद भाई ने तो चाय के साथ में पाव के साथ में चाय को भी ले लिए। तो देखिए ये जो जगह है अपना गुलशन बेकरी टूवर्ड्स चिराग की तरफ से अगर आप अंदर आते हो, मैं फ़िलहाल अभी बेकरी में, इसलिए ज़्यादा गर्मी हो रही है, थोड़ा बाहर चलते हैं।
ये अपना जो है घास बाजार में जो दरगाह है वहाँ से अगर आप लेफ्ट मारते हो तो यहाँ पे मिलेंगी, या तो टूवर्ड्स चिराग की तरफ से अगर आप सीधे आते हो तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए क्राउड देखिए, सीरियसली इट्स अमेजिंग। क्या मतलब एक बेकरी के लिए लोग जो है यहाँ पे पाव के इनके आशिक हो गए, मतलब इतने। आप इससे रिक्वेस्ट है एक बार आप सभी लोग आइए एक बार यहाँ पे आके इनके जो है ज़्यादा नहीं एक लादी पाव टेस्ट करके देख लीजिए, खुद को समझ में आएगा फ़र्क क्या है। पाव पाव ये देखिए, ये देखिए बेकरी में से अभी अभी गर्म पाव निकले, ये देखिए माशाल्लाह इट्स ऑसम। आई रिक्वेस्ट एक बार यहाँ पे आइए, एटलीस्ट एक लादी पाव तो टेस्ट कीजिए, समझ में आएगा क्या फ़र्क है। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ वॉच माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।